came up, the Congress party now responded by asking questions on Adani's. Mr. Adani himself came out and gave a series of press conferences, and he gave a series of interviews. Now, I know, Mr. Modi, what you will say, and I know that the Supreme Court has praised Gujarat for land acquisition. But I have just one question for you on that. That the one part which I find difficult to understand, and I want clarity from you as a chief minister for more than 10 years in Gujarat, is that how was land given at rates of 1 to 32 rupees per square meter for Adani's? But I am told for Tata Motors it was given at 900. For Ford India it was given at 1,100. So why is there such a difference in the rates at which other corporates have been given land as opposed to others? पहली बात है कि आप अहमदाबाद में जमीन लेने जाएंगे और कश्मीर रेगिस्तान में ले जाएंगे तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अधाड़ी रेगिस्तान में है, दूसरा वो समुद्र की मास लैंड है। तीसरी बात है अर्नब, ये आंकड़ों का विषय होता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी सरकार आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे और वो आप देश को दिखाएं? इतना करेंगे क्योंकि यहीं पर जमीन कांग्रेस की सरकार ने 20 पैसे में दी है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर इतने ही दाम से भारत सरकार को गुजरात ने 1,000 बीघा जमीन दी है, 1,000 बीघा, उसी जहाँ अदानी का है ना, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 1,000 बीघा जमीन सेम रेट से भारत सरकार ने भी ली है, क्योंकि वो मासी लैंड है। एक्चुअली तो जमीन दिखती ही नहीं है, वो पानी होता है, उसमें उनको फिलिंग करना पड़ता है, और वहाँ पर कोई एक किसान की एक तिनका भी उगता नहीं, वो जमीन है। और इतना ही नहीं, अदानी को पूरे हिंदुस्तान में जो ज़मीन मिली है, क्या उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकारों ने जमीन दी वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरे यहाँ अच्छा, कल भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन के संबंध में गुजरात सरकार की बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, किसी की फेवर करने वाली नहीं है, किसी का नुकसान करने वाली नहीं है। अब भारत सरकार का खुद का रिपोर्ट कहता है, अब ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है। खुद अदानी ने जवाब दिए हैं, गुजरात सरकार ने जवाब दिए हैं, इस पर मेरा पूरा डिटेल सोशल मीडिया पे मेरा एक प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको देखिए। मैं ज़रूर देखूंगा, मगर मैं सिर्फ एक फॉलोअप उसका कर